रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आज है रमज़ान, स्पेशल रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार सी सरप्राइज़ रेसिपी है खजूरों की। तो खजूरों की मैंने सारी ही गुठलियों को पील करके निकाल दिया था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्टफ़ बना के कोकोनट। तो देखिए, एक कप भर के मैंने कोकोनट लिया है और इसमें आधा कप, आधी प्याली से भी थोड़ा कम ही मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है कोकोनट को। और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से कोट करेंगे, इतना मिक्स कर लेंगे कि ये एक मज़ेदार सा मिक्सचर बन जाएगा, थोड़ा यमी सा। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करना है तो आप दूध और चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। और देखें, इस तरह से मैं इसको स्टफ़ कर रही हूँ। गुठलियाँ निकाल ली थी मैंने इसकी और इसके अंदर में नारियल का इस तरह से ये बना हुआ मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से हम इस तरह से इसमें लगा देंगे, खूबसूरत हो जाएगा ये। और भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल लगेगा। जिनके बच्चे रोज़ा कुछ आई हो या फिर इफ्तार पार्टी के लिए, तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है ये। देखें, एक में तो मैंने ड्राई फ्रूट डाला है, दूसरे में इस तरह से बादाम इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मज़ेदार से स्टफ़ खजूर, इस तरह से मैं सारी खजूरों को बना के तैयार कर लूँगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखें, सारी ही खजूरों को मैंने इस तरह से स्टफ़ कर लिया है नारियल के मिक्सचर से, और किसी में बादाम लगाए हैं और किसी में ड्राई फ्रूट्स का चूरा। और ये मैंने लिया है मिल्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट लेने के बाद मैंने इसको इस तरह से मेल्ट कर लिया है और इसमें मैं ये खजूर जो है स्टफ़ कर रही हूँ। कुछ हम खजूरों को चॉकलेट के अंदर कोट कर लेंगे और इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। देखें, इस तरह से मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनके तैयार हो रही है। सारी ही खजूरों को जितनी आपको चाहिए चॉकलेट की, तो मैं कुछ चॉकलेट में कोट कर रही हैं, कुछ सादी रहने दी हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ेदार सी रमज़ान की रेसिपीज आपको मिलती रहेंगी। तो देखें, इस तरह से मैं कुछ खजूरों के ऊपर वाइट चॉकलेट इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि ये और भी मज़ेदार सा सरप्राइज़ खूबसूरत सा लगे, मज़ेदार सी। तो देखें, इस तरह से इसको मैंने एक पेपर के अंदर फोल्ड करके रखा है। आप चाहें तो इसको गिफ्ट आइटम के तौर पे भी किसी को गिफ्ट कर सकती हैं। कुछ वैसे ही मैंने चॉकलेट पे करा है और कुछ चॉकलेट के ऊपर वाइट चॉकलेट को इस तरह से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बुरादा, कोकोनट का और ड्राई फ्रूट्स का बुरादा इस तरह से करा है और दूसरे वाले को भी मैंने कोट कर लिया है। तो देखें, कुछ इस तरह से बनाई हैं चॉकलेट वाली और कुछ विदाउट चॉकलेट के साथ बनाई हैं। तो इस तरह से सारी ही डाइट्स बन के तैयार हो गई हैं। दिखने में जितनी ये डिलीशियस दिख रही हैं, खाने में इतनी मज़ेदार बनती हैं। और इस तरह से देखें, मैंने ये सरप्राइज़ बॉक्स भी घर में ही बनाया था, होममेड है ये। इस तरह से मैंने ये चांद बनाया था, इसके अंदर हम इसको सेट करके रखेंगे। अगर आप चाहें किसी को गिफ्ट देना तो इस तरह से आप इसको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकती हैं। तो सारी ही खजूरों को मैं इसके अंदर सेट कर लूँगी और इसको एक रैपर से रैप कर लेंगे। देख, होममेड मैंने ये गिफ्ट रैपर बनाया है और देखें, मज़ेदार सा हमारी स्टफ़ खजूरें बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं और मैं इसको कवर कर दूँगी। रेसिपी पसंद आ जाती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर लौट कर आऊँगी मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी देखने का शुक्रिया।